हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेज। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम किसकी बात कर रहे थे? एरोमेटिसिटी की। एरोमेटिसिटी के बारे में, एरोमेटिसिटी में हमने तीन चीज़ें डिस्कस कर ली थी। एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, उसी चीज़ को आज हम देखेंगे आगे, और उसके बाद कुछ एक दो चीज़ें और पढ़ेंगे। चलिए, अब आप ये वाला एग्जांपल देखिए, पायरोल का। सबको पता है आपको पायरोल क्या होता है? ये है पायरोल। ये इसके लोन पेयर को मैं दिखा रहा हूँ। ये वाइट वाले लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो। चलिए इसकी बात करते हैं। तो ये आपने देखना, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है। सबसे जो पहली कंडीशन थी वो क्या थी? साइक्लिक की। दूसरी थी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी कंडीशन क्या थी? sp या sp2+प्लेनर। सही है। और चौथी कंडीशन थी रेगुलर कॉन्जुगेशन की। तो ये साइक्लिक है ये कंपाउंड, बिल्कुल साइक्लिक है। 4n+2, और 4n में से किसको ये फॉलो कर रहा है? ये कर रहा है 4n+2 को, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, दो ये, दो और दो चार, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं ये। तो छह इलेक्ट्रॉन हो गए, तो छह इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो कर रहे हैं? 4n+2 को। तो ये कंपाउंड, इसके बाद देखो sp2 है, सारे सेंटर बिल्कुल है, और रेगुलर कॉन्जुगेशन भी है। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ जाएगा। तो ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं होता, वो sp2 sp3 क्या है वो, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन है जो, उसका इसमें कोई रोल नहीं है। बाकी सारे सेंटर sp2 या sp होने ज़रूरी हैं। इसके बाद बात करते हैं अब हम जो है पिरिडीन की। तो पिरिडीन क्या होता है ये देखिए, पिरिडीन की बात करते हैं। तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये अपना पिरिडीन होता है, ये वाला, ये देखिए, ये डबल बॉन्ड ये है, कभी आप इसको ट्रिपल समझ लें। और हाइड्रोजन ये मैंने दो इसके लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर वो दिखा दिए, ठीक है, ये बताना है। तो अब आप देखिए, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? दो, दो चार, दो छः, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। ये है पिरिडीन, ठीक है, ये पिरिडीन कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद अब आप एक अच्छा सा एग्जांपल देखिए, ये वाला देखिए आप, इसको बताना है आपने इसमें क्या है, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, ये वाला। अब इसमें आप देखिए, ऑक्सीजन जो, दो ऑक्सीजन है इसका, ऑक्सीजन में देखो छः होते हैं इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में हो रहे हैं यूज, दो इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, दो इधर होंगे, चार, और दो, एक यहाँ एक यहाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है जो इस बॉन्ड में यूज हो रहा है। सेम इसी तरह इस ऑक्सीजन का है ये, ऐसे ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए, ये दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए इसके, और ये इसके हो गए।
तो अब देखो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, दो दो चार दो छः, छः इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब आप एक बात देखिए कि ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हैं वो देखिए सबसे पहले, पहली कंडीशन साइक्लिक बिल्कुल है, दूसरी कंडीशन को थोड़ा होल्ड कर देते हैं, सारे सेंटर sp2 है वो भी अभी देख लेंगे, और फोर्थ है रेगुलर कॉन्जुगेशन। तो अब आप एक बात देखिए, उसके बाद इसको हम देखेंगे, जो आपके जो ये इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये ऐसे और ये ऐसे। अब आप एक बात देखिए, इस नाइट्रोजन के पास, ये सॉरी ऑक्सीजन के पास जो है, ये वाला ऑक्सीजन है, इसके पास ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, दो तो ये लोन पेयर होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, ये दो दो चार दो छः दो आठ, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। आप गौर करके देखिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन 10 इलेक्ट्रॉन को रख ही नहीं पाता है। तो ये 4n+2 वाली कंडीशन जो है यहाँ पे फेल हो गई है, ठीक है। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरो मैट्रिक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इतनी बात करने के बाद आगे अब हम बात करते हैं, एक और कंपाउंड है अपने पास, ये वाला कंपाउंड है, इसको कई बार ऐसे भी लिखा रहता है। तो ये दोनों एक ही कंपाउंड है, टू पॉजिटिव, एक ही कंपाउंड है ये, ठीक है, इसको बताना। तो इसमें आप देखिए सारी चीज़ें फुलफिल हो रही, सारी कंडीशन, इलेक्ट्रॉन कितने, दो, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है। तो ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा, इतनी बात हो गई। तो कल हमने आपको एक बात बताई थी कि क्या रिंग में आप ये नोट लिख सकते हैं, रिंग में sp3 एटम, एक मिनट, तो कल हमने आपको एक बात बताई थी, क्या रिंग में sp3 एटम आने से कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाती है, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो इस ये हो गई इतनी बात। अब हम बात करते हैं क्रेग्स रूल, आप हेडिंग डाल लीजिए, क्रेग्स रूल। देखो ये रूल क्या कहता है, ये सबसे पहले तो ये किस पे अप्लाई होता है वो देखते हैं। तो ये जो अप्लाई होता है, एप्लीकेबल एप्लीकेबल एप्ली केबल एट पॉली साइक्लिक नॉन बेंजेनोइड। आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक एक बात आपको ये सारी बताऊंगा, ठीक है। और पहली बात तो ये किस पे अप्लाई होता है, नॉन बेंजेनोइड पे, पॉली साइक्लिक नॉन बेंजेनोइड, मतलब एक से ज़्यादा रिंग होगी और उनमें क्या होगी, नॉन बेंजेनोइड, मतलब बेंजीन रिंग नहीं होगी पहली बात। दूसरी
दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि उसमें जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें क्या होना चाहिए, सी टू सिमेट्री होनी चाहिए, तभी आप इस क्रैग्स रूल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्रैग्स रूल किस पे अप्लाई किया जाता है, पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजिनोइड पे। सही है, इतनी बात। दूसरा क्या है कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होनी चाहिए, सी टू सिमेट्री होनी चाहिए, तभी आप ये रूल अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, अब आपके पास मान लिया कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें एन डबल बॉन्ड है। एन क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इसको क्या है, ये एन है। अब आप एक बात ध्यान रखिए, अगर एन की वैल्यू ओड है और दूसरा है इवन, अगर एन की वैल्यू ओड है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, एरोमेटिक। अगर आपका जो जो डबल बॉन्ड है वो कितने हैं, इवन है, तो वो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर ओड है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो एरोमेटिक, और इवन है तो नॉन एरोमेटिक। अब इसके कुछ दो चार एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। अब आप ये वाला देखिए, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें एक्चुअल में सी टू सिमेट्री होती है। ठीक है, एक्चुअल में इसमें सी टू सिमेट्री होती है ऐसे, तो ये सी टू है, इसमें सी टू भी है और ये नॉन बेंजेनोइड भी है, नॉन बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड भी कैसा है, पॉलीसाइक्लिक। तो इस पे आप क्रैग्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, दो, एक दो तीन चार हैं, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। सही है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपने एग्जांपल सुना होगा, एक एजुलिन कंपाउंड होता है ब्लू कलर का, एजुलिन। एजुलिन में आप देखिए, ये एक फाइव मेंबर रिंग होती है, हाँ एक फाइव मेंबर रिंग होती है, एक सेवन मेंबर रिंग होती है, इसमें कुछ इस टाइप से ये होता है एजुलिन। ये देखिए, ये है आपका एजुलिन। ठीक है, इसमें देखो, इसमें भी सी टू सिमेट्री है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिखाना वैसे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये इसमें सी टू सिमेट्री होती है, तो इसमें भी आप, इसमें सी टू होती है और ये भी नॉन बेंजेनोइड है, पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजेनोइड, इस पे भी आप लगा सकते हैं क्रैग्स रूल। इसमें देखो, एक दो तीन चार पाँच, डबल बॉन्ड कितने हैं, इसमें डबल बॉन्ड है पाँच, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा मेरे भाई, ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये एक चीज़ और पूछी जाती है, ये इसकी डाइपोल मोमेंट होती है। ठीक है, इसकी डाइपोल मोमेंट होती कुछ ये। अब एक बात आप देखिए, ये पोलर बन जाता है कब, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा हो, तो इसके बाद इसमें जो कुछ चेंज आ जाता है, ये कैसा बन जाता है, ये पोलर टाइप में कुछ ऐसा बन के आता है, ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है, एक बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ये कंपाउंड ऐसा बन जाता है कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बन जाता है। तो ये देखो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल जनरेट हो गए हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव पोल जनरेट होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो गया, पोलर। ठीक
ठीक है, तो एजुलिन कैसा होता है, पोलर होता है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रोस्ट डायग्राम की। फ्रोस्ट डायग्राम, फ्रोस्ट डायग्राम भी बोलते हैं, फ्रोस्ट डायग्राम भी है। फोर्स्ट डायग्राम, इसमें देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें बेंजीन का फोर्स्ट डायग्राम बनाना है, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो दो ये, एक ये, एक ये और एक ये देखो, एक दो तीन चार पाँच छ, तो पेंजीन का जो फोर्स डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से बन के आएगा। ठीक है, ये होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन भर दिए जो ये वाले सर्कल में है ये, तो ये बेंजीन का फर्स्ट डायग्राम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही आप इसका बना सकते हो, साइक्लोपेंटाडाईन एनायन का। ठीक है, ऐसे कुछ बना सकते हो इसका, इसका देखो एक दो तीन चार पाँच, इसका कुछ ऐसे बन के आएगा ये, तो इसमें देखो दो दो चार और दो छः, दो दो चार दो छः, छः इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए हैं, बीच में से इसके भी एक लाइन जाती है, ऐसे बनते हैं फ्रोस्ट डायग्राम। डिटेल आप थोड़ी सी बुक से पढ़ लेना, क्योंकि इतना कुछ वो नहीं है। अब आप एक वो देख लीजिए, जो ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड, तो वो कैसे होते हैं, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक होते हैं जो, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते हैं, पेयर्ड नहीं होते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं, पैरा मैग्नेटिक। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप मेरे को इसका बताइए, ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। आपने नाम सुना होगा बोरेजीन का, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोरे जीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखिए तो इसमें देखो क्या है, स्पेस कम है मैं इसको हटा रहा हूँ, इसमें कुछ इस टाइप से होता है, बी बी एन बी एन बी एन बी, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब आपको पता है नाइट्रोजन के पास कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे होगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास और 2 इसके पास होंगे। एक्चुअल में कुछ ऐसा सीन होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये देखो, तो
अब इसको बताना, ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तो इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर सकता है, और ये यहाँ कर सकता है, क्योंकि जो बोरोन है वो आपका कैसा है, बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो नाइट्रोजन अपने लोन पर यहाँ डोनेट कर सकता है, ये वाला यहाँ कर सकता है, ये वाला यहाँ कर सकता है। कहने का मतलब ये है, जो ये रेगुलर कॉन्जुगेशन में जा रही है, ये वाले इलेक्ट्रॉन है जो, ठीक है। तो ये इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब आप एक कंपाउंड ये देखिए, इसको देख के बताइए आप एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ये ले लीजिए आप, ये है, इसका बताइए आप। तो इसमें जब आप देखेंगे तो आप क्या देखते हैं, ये वाला जो है, ये वाला डबल बॉन्ड, ये कैसा है, नॉन हकल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें कॉन्जुगेशन कौन से डबल बॉन्ड करेंगे, ये बाहर वाले, बस ये वाले, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक यहाँ लिख देता हूँ मैं, इतनी बात ठीक है। चलिए इसके बाद देखो दो एग्जांपल और कर लेते हैं छोटे छोटे, ये कंपाउंड आप देखते हैं। इसमें देखते हैं 1, 2, 3, ऐसे ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा ही बनाए, थोड़ा सा अगर ज़्यादा मैं छोटा बनाता तो ये आपको दिखाएंगे। तो इसमें देखो ये कैसे है, ये मैं आपको वैसे इमेजिन, जैसे कि एक तो ये है जो ये बोर्ड है, इसके प्लेनर है ये जो जितनी भी रिंग है, ये तो ऐसे है, ये रिंग हो गई। इसके बाद आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे इस पे आपने एक हैंडल बांध दिया ऐसे, ये हैंडल हो गया इसका, तो इस टाइप से कुछ है ये जो कंपाउंड है गिवन। ये तो प्लेन ऑफ, ये बोर्ड के प्लेन में ये वाली चीज़ है, इसमें आपने ये हैंडल बांध दिया है, तो ये हैंडल जो है वो ये है, ये हैंडल है, ठीक है। और जो ये बाकी चीज़ें हैं, ये जो रिंग है, ये रिंग आपका इस बोर्ड पे है, ये लगा लो आप। तो ये बताना आपने एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। इसमें भी सेम काम, देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लिक भी है, बिल्कुल सही है, sp2 भी है। अब आप ये पूछोगे सर ये प्लेनर है या नहीं है, तो ये बिल्कुल प्लेनर है, ठीक है, ये प्लेनर है, क्यों अभी ये बताया, ये बोर्ड है इस पे ये हैंडल, तो ये प्लेनर है। चलिए इतनी बात होगी, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है। इसी के बाद दूसरा कंपाउंड लेते हैं कुछ इसी टाइप का, ठीक है। इसको देखो, एक रिंग तो ऐसे ही है, एक तो ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, तो ये रिंग थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी नॉन प्लेनर टाइप में हो जाएगी, ये कैसे हो जाएगी, नॉन
प्लेनर, बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक टाइप का ये कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई है। इतनी बात होने के बाद अब आप मेरे को एक बात बताइए, जो आपका स्क्वेरिक एसिड होता है वो कैसा होता है? स्क्वेरिक एसिड ये होता है, स्क्वेरिक एसिड ये स्टार लगा के आप लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। इसको बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड। और ये कैसे होता है? स्ट्रोंग एसिड। ठीक है, इसमें देखो आप, इसमें ये दो हाइड्रोजन अगर निकाल दूं मैं, ये दो हाइड्रोजन निकालने के बाद में ये कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये है। इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें हम देखते हैं ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये वाला यहाँ। कॉन्जुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन गए ये देखना है, तो कॉन्जुगेशन में गए दो, तो चार दो छः, छः पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच हुई कॉन्जुगेशन, बाकी सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ये कंपाउंड भी एरो मैटिक की कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक दो कंपाउंड और देख लेते हैं। इसके बाद एक होता है होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट, होमो एरोमेटिक कंपाउंड इस टाइप के कंपाउंड होते हैं, देखते हैं। ये आज का लास्ट कंसेप्ट है अपना। ये जब स्ट्रोंग एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में इसको ट्रीट किया जाता है, तो ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनता है। यहाँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ ये जो H है, ये जो एच है ये वाला, ये जो एच है ये SP3 हो जाता है। ठीक है, ये SP3 होने के कारण इसका जो शेप है कुछ इस टाइप से हो जाता है। आगे लिख देता हूँ, स्पेस की कमी है। ऐसे बन जाता है इस टाइप का जो कंपाउंड बनता है उसको ही बोलते हैं होमो एरोमेटिक। कहने का मतलब क्या है कि इसमें ये SP3 आने की वजह से ये जो कार्बन है ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो जाता है। इसी टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? होमो एरोमेटिक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो बात करते हैं अब हम। स्टेबिलिटी में बात करते हैं, तो सबसे पहले एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ये होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।